अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं या फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने फूड बिजनेस को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्टर करवाना होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड बिजनेस के लिए सेंट्रल और स्टेट लाइसेंस इशू करती है। सेंट्रल या स्टेट लाइसेंस उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए हैं जो लार्ज स्केल पर फूड बिजनेस ऑपरेट करते हैं। स्मॉल स्केल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड बिजनेस रजिस्ट्रेशन इशू करती है। सेंट्रल या स्टेट फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हर एक फूड बिजनेस के लिए जरूरी है, चाहे वो लार्ज स्केल पर हो या फिर स्मॉल स्केल पर। आपका ये फूड बिजनेस फूड आइटम्स मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या आप फूड आइटम्स के ट्रेडर या रिटेलर हैं, या आप फूड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए फूड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, या आपकी फूड सर्विस की चेन है जो मोर देन वन स्टेट है, और आप अपने फूड बिजनेस के हेड ऑफिस का सेंट्रल या स्टेट लाइसेंस चाहते हैं, तो आपको इनमें से अपना फूड बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। हर एक ग्रुप से मल्टीपल सिलेक्शंस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेडर या रिटेलर हैं और जो फूड बिजनेस आप करते हैं उसे ऐड करें, जैसे अगर आप फूड आइटम्स की स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो उसे ऐड करें। बिजनेस की डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अगर ये आपके बिजनेस से मैच कर रही है तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रेडियो बटन सेलेक्ट करें। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि अगर टर्नओवर 12 लाख सालाना है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फूड बिजनेस के होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी आप टर्नओवर के अकॉर्डिंग रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें 12 लाख सालाना तक आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और 12 लाख से ऊपर स्टेट लाइसेंस के लिए, और अगर बहुत बड़ा फूड प्रोडक्ट्स का होलसेल बिजनेस है तो सेंट्रल लाइसेंस की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप फूड प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी प्रोसीड करेंगे। आप बिजनेस की डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और मेक श्योर जो फूड बिजनेस आप कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन करें। इस तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। अगर आप फूड आइटम्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटेड वैन या मिल्क टैंकर्स एट्सेट्रा, तो आप इस बिजनेस को भी सेम वे में टर्नओवर के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। अगर आप रिटेलर हैं और फूड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से खरीद कर रिटेल में बेचते हैं तो टर्नओवर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करें। फूड वेंडिंग एजेंसीज जिसके अंडर पैकेज्ड या फ्रेश फूड टेम्प्रोरी या फिक्स्ड स्टॉल या कार्ट से या फिर फूड वेंडिंग मशीन से बेचा जाता है, उसके लिए भी आप टर्नओवर के अकॉर्डिंग रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स को फॉरेन से इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं तो एज अ इम्पोर्टर आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। फूड प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचने का बिजनेस भी सेंट्रल लाइसेंस के अंडर कवर होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन आप यहां चेक कर सकते हैं। सेम वे ट्रेडर, मर्चेंट या एक्सपोर्टर जो फूड प्रोडक्ट्स को फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं सेंट्रल लाइसेंस की कैटेगरी में आते हैं। फूड सर्विसेज ग्रुप के अंडर भी आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, जैसे पैटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स या टी शॉप्स में अगर आपका कोई टेम्पोररी या फिक्स स्टॉल है जिसमें आप चाय, कॉफी या स्नैक्स एट्सेट्रा सर्व कर रहे हैं तो आपको अपने टी स्टॉल की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप पैकेज्ड या फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड किसी मूवेबल हैंड कार्ट में या फिर पैदल एक से दूसरी लोकेशन पर बेच रहे हैं तो हॉकर या आइटेंडेंट या मोबाइल फूड वेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रेस्टोरेंट के केस में अगर टर्नओवर 12 लाख पर एनम है तो रजिस्ट्रेशन, और अगर टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो स्टेट या फिर उससे ऊपर सेंट्रल लाइसेंस के लिए प्रोसीड करेंगे। फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंडर रोड साइड ढाबा, बोर्डिंग हाउसेज जो फूड भी सर्व करते हैं, बैंक्वेट हॉल जो पार्टीज या सेरेमोनीज होस्ट करते हैं, होम बेस्ड कैंटीन्स या डब्बा वाला जो टिफिन सर्विसेज होम टू होम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फूड स्टॉल्स, रिलीजियस गैदरिंग्स में फूड आइटम्स को सर्व करना, या मेलों में बूथ या स्टॉल के थ्रू फ्रेशली या पैकेज्ड फूड को सर्व करना, इस तरह के फूड बिजनेस में टर्नओवर के अकॉर्डिंग फूड रजिस्ट्रेशन या स्टेट फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लब,
कैंटीन या कैफेटेरिया के लिए भी आप टर्नओवर के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन या स्टेट लाइसेंस के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप कैटरर हैं तो भी बिजनेस टर्नओवर के अकॉर्डिंग स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। होटल के केस में भी स्टार रेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन या स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस के लिए रेडियो बटन मार्क करेंगे। अगर आप मिड डे मील कैटरर हैं तो स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मिड डे मील कैंटीन रन करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के साथ स्टेट लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज ग्रुप के अंडर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमिसेस में फूड कैटरिंग सर्विसेज चला रहे हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन या सेंट्रल लाइसेंस के लिए प्रोसीड करेंगे। फूड आइटम स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज के लिए सेंट्रल लाइसेंस ही अप्लाई हो सकता है। इस तरह होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमिसेस में बिजनेस कर रहा है सेंट्रल लाइसेंस के लिए ही अप्लाई कर सकता है। हेड ऑफिस उस फूड बिजनेस के लिए है जिस बिजनेस की मोर देन वन स्टेट फूड चेन है और उस फूड बिजनेस के हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए सेंट्रल लाइसेंस ही अप्लाई हो सकता है। मैन्युफैक्चरर ग्रुप में भी डेयरी यूनिट्स के अंडर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग एटसेट्रा के लिए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही वेजिटेबल ऑयल की प्रोसेसिंग और पैकिंग के लिए भी आप बिजनेस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन या स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस के लिए प्रोसीड करेंगे। स्लॉटरिंग यूनिट्स के अंडर एनिमल्स या पोल्ट्री की ट्रांसपोर्टेशन, बुचिंग, ड्रेसिंग एटसेट्रा के लिए पोल्ट्री या एनिमल वाइज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए स्लॉटर्ड एनिमल्स या पोल्ट्री के मीट प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप बिजनेस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे। इन द सेम वे फिश या फिश प्रोडक्ट्स के अंडर फिश प्रोसेसिंग, फिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा के लिए बिजनेस कैपेसिटी के हिसाब से आप सिलेक्शन करेंगे। फूड और हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स एटसेट्रा के अंडर अगर आपका बिजनेस फूड या हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइट्री फूड या फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो आप सेंट्रल लाइसेंस ही सिलेक्ट कर पाएंगे। जनरल मैन्युफैक्चरिंग के अंडर अगर आपका बिजनेस होलसेल पैकेजेस से डिफरेंट साइजेस में लेबलिंग करके, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और सीविंग करके फूड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है तो आप रजिस्ट्रेशन या स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोप्राइटरी फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप केवल सेंट्रल लाइसेंस ही ले पाएंगे। प्रोप्राइटरी फूड में रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट्स आएंगे। नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स से प्रोडक्ट अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद ही आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सब्सटेंसेस एडेड टू फूड के अंडर अगर बिजनेस फूड एडिटिव्स, एंजाइम्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एटसेट्रा के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का है तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन या स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए प्रोसीड किया जाएगा। रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड में अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग में आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज हो रहा है तो आप सिर्फ सेंट्रल लाइसेंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में अगर फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट पर्पस ओनली है तो सेंट्रल लाइसेंस ही अप्लाई किया जा सकता है। एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर में अगर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहा है और FSS एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बजाय इंपोर्टिंग कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है तो एक्सपोर्ट्स के अंडर सेंट्रल लाइसेंस के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह से दिए गए ग्रुप्स में से आप अपना बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ ट्रेड रिटेल ग्रुप में से रिटेलर ऐड करेंगे। इस केस में रिटेलर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से फूड प्रोडक्ट्स परचेज करके अपनी शॉप में बेचता है और बिजनेस का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है। इसके साथ अगर उसी रिटेल शॉप में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स भी सर्व किए जा रहे हैं तो फूड सर्विसेज ग्रुप में से हम पैटी रिटेलर ऑफ स्नैक्स या टी शॉप्स भी ऐड करेंगे। रिटेल शॉप के साथ अगर ढाबा भी चल रहा है तो फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट भी ऐड करेंगे। इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करें।
जैसा कि हम 12 लाख रुपए सालाना टर्नओवर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अंडर एप्लीकेंट डिटेल्स एप्लीकेंट का नाम टाइप करें। आप कंपनी, बिजनेस फर्म या सिंपली अपनी शॉप का नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें। अगर एप्लीकेंट का नाम टाइप किया है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें और अगर बिजनेस फर्म या शॉप का नाम टाइप किया है तो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करें। अगर बिजनेस फर्म पार्टनरशिप में है तो पार्टनर सेलेक्ट करें। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेडियो बटन सेलेक्ट करें। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अदर सेलेक्ट करें। कोई अ काइंड ऑफ बिजनेस आप रिटेलर का ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस में उस एड्रेस को टाइप करें जहां आपका फूड बिजनेस सेटअप है। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। अपना सब डिवीजन या तहसील सेलेक्ट करें, विलेज सेलेक्ट करें और पिन कोड टाइप करें। आप नियरेस्ट लैंडमार्क टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है तो टाइप करें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। अगर आपका फूड बिजनेस प्रेमिसेस का एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस सेलेक्ट करें, अगर नहीं तो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टाइप करें। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन और विलेज ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें और पिन कोड टाइप करें। अंडर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर लैंडलाइन नंबर है तो टाइप करें, अपना मोबाइल नंबर टाइप करें। अगर फैक्स नंबर है तो उसे भी टाइप करें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। अपनी ईमेल आईडी टाइप करें। कॉन्टैक्ट पर्सन में आप एप्लीकेंट का नाम टाइप कर सकते हैं। फूड बिजनेस रजिस्ट्रेशन का पीरियड सेलेक्ट करें। आप मैक्सिमम 5 साल तक फूड बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, इसके बाद आपको इसको रिन्यू करना होगा। फूड आइटम्स को सेलेक्ट करें जिन्हें आप अपने प्रेमिसेस या शॉप में सेल करेंगे। आप ऑलमोस्ट सभी फूड कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टैंडर्डाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स की डिटेल्ड लिस्ट आप यहां चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि जो फूड कैटेगरी आप ऐड कर रहे हैं उसके अंडर कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। इस लिस्ट में आपको उन सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलेगी जिन्हें आप अपनी रिटेल शॉप में सेल करना चाहते हैं। मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आपको अपने एरिया की पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर अपलोड करना होगा। हम इसे यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिटेल शॉप में हम इन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करेंगे। इस तरह से फूड आइटम्स की डिटेल्स चेक करने के बाद आप फूड कैटेगरी को सेव एंड ऐड करेंगे। फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स आप ब्लैंक छोड़ दें। अंडर अदर डिटेल्स अगर आप अपना फूड बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट की डेट को आप यहां सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। अगर आपके फूड बिजनेस में वाटर सप्लाई का कोई रोल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फूड आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है और इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट है तो यह सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपनी ऐड की हुई फूड कैटेगरी के साथ प्रोसीड करें। साइन अप डिटेल्स में अंडर प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एप्लीकेंट की ईमेल और मोबाइल नंबर टाइप करें। बिलोंग्स टू में सेल्फ सेलेक्ट करें। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल में आपकी लॉगिन आईडी जनरेट हो चुकी है, पासवर्ड क्रिएट करें और पासवर्ड कंफर्म करें। कैप्चा एंटर करें, सबमिट पर क्लिक करें। आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड रिसीव करेंगे। कोड एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका लॉगिन क्रिएट हो चुका है, ओके पर क्लिक करें। अपनी लॉगिन आईडी नोट कर लें। फूड बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फाइल टाइप पीडीएफ, जेपैक, जेपीजी या पीएनजी में 5 मेगाबाइट से नीचे हो। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स अपलोड कर रहे हैं तो उन्हें सेल्फ अटेस्ट करें। एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फोटो चूज करें और अपलोड करें। आइडेंटिटी प्रूफ में जनरली आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड चूज करें और अपलोड करें। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे उन्हें आप यहां से चेक कर सकते हैं। स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट्स के अंडर हिमाचल प्रदेश पर क्लिक करें।
पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ लीगल पोजेशन के लिए आप प्रमिसेस या शॉप की रेंट डीड या रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एप्लीकेंट के नाम पर हो उसे यूज कर सकते हैं। स्लॉटर हाउस और मीट शॉप जहां मीट और फिश सेल करेंगे इसके लिए म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। स्ट्रीट फूड वेंडर को फूड बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए पहले म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत से हॉकर लाइसेंस लेना होगा, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। फूड बिजनेस रेजिडेंशियल प्रमिसेस में अलाउड नहीं होगा। इसके साथ फूड बिजनेस हैंडलर को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ प्रमिसेस में शॉप या प्रमिसेस की रेंट डीड या रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड या एप्लीकेंट के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करें। हेल्थ एनओसी में एप्लीकेंट का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। सेल्फ डिक्लेरेशन आप यहां से डाउनलोड करेंगे और उसे अटेस्ट करके अपलोड करेंगे। कंडीशंस ऑफ लाइसेंस और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आप यहां चेक कर सकते हैं। डिक्लेरेशन का चेकबॉक्स मार्क करें, अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करें। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप उसे यहां टाइप करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। पे पर क्लिक करें, ई साइन के लिए प्रोसीड करें। आप अपने मोबाइल पर ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड रिसीव करेंगे। कोड एंटर करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें और फूड बिजनेस रजिस्ट्रेशन की फी पे करें। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, जिसकी रिसिट आप डैशबोर्ड में सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट के अंडर डाउनलोड कर पाएंगे। आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी यहां से चेक कर पाएंगे। फूड बिजनेस रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद आप अंडर इशू टैब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे।